जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भरत और मेरा भारत महान। दोस्तों, बॉलीवुड मूवी का हाल टिकट खिड़की में पानी तक नहीं मांग पा रहा है और फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही है। इस साल लगातार हिंदी फिल्म लाइन से फ्लॉप होते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ फिल्म रणबीर कपूर स्टारर शमशेरा, ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। इस साल की अगर हम सुपरहिट फिल्म की बात करें, इस साल सिर्फ दो फिल्में ही कामयाब हुई है। पहला फिल्म है कश्मीर फाइल और दूसरा है भूल भुलैया। बाकी जितने भी मूवी इस साल रिलीज हुए हैं सब फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। चाहे वो रणबीर सिंह की हो जयेश भाई जोरदार या अक्षय कुमार का पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की दो तीन फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई है। इन दोस्तों 11 अगस्त 2022 को बॉलीवुड की दो मूवी एक साथ रिलीज होने जा रही है। एक आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा और दूसरा अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन। जहां लाल सिंह चड्ढा एक हॉलीवुड मूवी का ऑफिशियल रीमेक है और वही अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन एक भाई बहनों की कहानी है। जहां आमिर खान की पिछली रिलीज फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था और अक्षय कुमार ने तो लगातार दो तीन लाइन से फ्लॉप दे दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आमिर खान की मूवी या अक्षय कुमार की मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर पाएगी कि नहीं, या दोनों मूवी भी फ्लॉप हो जाएगा? दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप कौन सा मूवी को देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल पर या ओटीटी पर रिलीज होने का वेट करेंगे, और आपके हिसाब से कौन सा फिल्म चल पाएगा बॉक्स ऑफिस पर या नहीं चल पाएगा, मुझे लिख कर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।